ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। सो एक्वेरियस, अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न का कार्ड आ रहा है, री इन्वेंट एंड डी क्लटर। ओके, तो इट्स टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि डी क्लटर अचीवमेंट, आप अपनी लाइफ में यू नो कुछ बहुत ही नज़दीक हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं, और मे बी कि कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं अचीव। सो आप लाइमलाइट में हैं, ठीक है, और लोग आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, या हो सकता है कि यू आर डूइंग समथिंग, अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप पब्लिक फिगर हैं कोई, पीपल आर लाइक लाइकिंग यू, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आप लाइमलाइट में हैं, ठीक है, एंड आप कोई एक्टर हो सकते हैं या कोई पब्लिक यू नो फिगर हो सकते हैं। तो आपकी क्या बोले उसको, लाइक यू आर अचीविंग अ लॉट, अपनी लाइफ में काफ़ी अचीव कर रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट कि आपका जो सर्कल है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, पीपल आर फॉलोइंग यू। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू नो कि आपने कुछ लाइक अवार्ड कुछ अच्छा किया है। सो अगेन एंजल्स कह रहे हैं एन्जॉय द लाइम लाइट। सो एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि डोंट प्लान टू मच, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अड़चनें आ सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि नेचुरली फ्लो होने दीजिए चीज़ों को, इट्स अ टाइम फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज। आपकी लाइफ में अभी हो सकता है कि काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है पीछे छूट रहा है, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीज़ें कहते हैं ना, आपको एक स्पेस, आप सिर्फ स्पेस बना सकते हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मोमेंट। ऑब्वियसली इट्स फॉर अ गुड ओनली, ठीक है, लेकिन यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि मेक स्पेस, डी क्लटर कीजिए। हो सकता है आप कुछ बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट मत होइए इमोशनली, अगेन डरा नहीं रहे हैं एंजल्स आपको, लेकिन आपको आगे के लिए आगाह कर रहे हैं, ठीक है, कि लाइफ में देर आर सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, ओके, और बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। सो अब उसके लिए आपको कैसे रेडी रहना है, दैट यू हैव टू बी रिसेप्टिव, ओके, कि आपको रिसेप्टिव। अच्छा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है समवन कैन हर्ट योर फीलिंग्स, कोई अपनी नई साइड आपको शो कर सकता है, तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, कि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए, ताकि आपको सामने वाले का पता यू नो कि आपको इतना ज़्यादा वो ना हो महसूस कि अरे इसने ऐसा किया था, कि किसी के ऊपर इतना इमोशनली डिपेंडेंट ना हो। ये भी आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं। आई डोंट नो ये किस स्क्वायर में, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर करियर ऑल्सो, कि आपके करियर के लिए एंजल्स आपको ऐसा कह रहे हैं कि डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी टू मच, या ऐसा वैसा कुछ। चलिए आगे देखते हैं, बाकी दिस पीरियड इज़ लाइक फॉर ग्रोथ, आपकी ये जो पीरियड है। अच्छा, किसी के हेल्थ का आपको ख्याल करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब लव लाइफ की अगर बात करें, रिलेशनशिप की, वेडिंग, पैशन, ओके, सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, ओके, पैशन, ओके, सो इट्स अबाउट लाइक आपके जो पार्टनर है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पुटिंग एफर्ट्स हीलिंग फैमिली इश्यूज, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं आपके जो पार्टनर है, ठीक है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, तो हो सकता है कि यू नो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, ऑल दो कि एक मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हैं, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं है, वो अट्रैक्शन कम होती जा रही है, ऑल दो हो सकता है कि यू नो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, ये रीज़न हो, किसी वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। अभी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं रिवाइव, मुझे ऐसा लगता है कोई रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेट मी सी एक्वेरियस, ये आपकी साइड से आपके पार्टनर, तो आप बेसिकली आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, या समटाइम्स दे गेट वेरी डिसहार्टेंड एंड डिसअपॉइंटेड, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, ठीक है, और डिसहार्टेंड हो जाते हैं। कोई कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को बचाने की, एंड समथिंग इज़ देयर, शायद हो सकता है कि इट्स अबाउट यू नो लाइक कोई न्यू पर्सन है, कोई और आ गया है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन स्टक, बेसिकली ऐसा लगता है कि स्टक है। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, जो लोग टोटली सिंगल है उनके लिए ये, उनके लिए ये है कि गेटिंग मैरिड और अ न्यू स्टार्ट, आप पुरानी उसमें से निकल रहे हैं, आप नए यू नो जोन में आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप खुद को समझ रहे हैं,
और अपने आप को अपने आप इस यू नो डूइंग लॉट ऑफ वर्क, अपनी ग्रोथ आगे बढ़ रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग. और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट वेटिंग, कि अभी स्टिल वेट यू नो वेटिंग फॉर अ राइट टाइम. सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कीपिंग अ पैशन अलाइव इन द कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, अब वो आप है या आपके पार्टनर है वो आपको थोड़ा देखना होगा. बट येस, मुझे लगता है ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कुछ इश्यूज आते रहते हैं. तो ये हफ्ता आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग. मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन को यू नो जैसे कोई हील करने की कोशिश कर रहा होता है, कोई रिवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है, वो वाली एनर्जी. तो कीप एन ओपन माइंड, एंजल्स कह रहे हैं कि माइंड ओपन अप रखिए. अच्छा, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके सोल में डिफरेंट होते हैं, तो आपको उसमें भी अपना माइंड जो है वो थोड़ा ओपन अप, अपना हार्ट स्पेस ओपन अप करने की ज़रूरत है. आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे अलग हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, आपके पार्टनर थोड़े अलग हो सकते हैं. ठीक है, एक स्पेस क्रिएट कीजिए. और अगेन, डोंट ओवर डिपेंड. ठीक है, ये हफ्ता अगर हम ओवरऑल बात करें कि हाँ, लव एंड करियर बोथ, आई थिंक इट्स अबाउट कि दोबारा से कहते हैं ना, दोबारा से कोशिश करना, रीबिल्ड, या जैसे कहते हैं कि कोई फाउंडेशन हिल जाती है तो उसको दोबारा से कोशिश करना, पुटिंग एफर्ट्स. मुझे लगता है कि बार बार कुछ इश्यूज आ जाते हैं या बार बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यही है कि अलाउ योर हार्ट, मतलब ओपन अप योर हार्ट स्पेस, अपने दिल की सुन के चलिए, कि जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है उसको फॉलो अप कीजिए. ठीक है, वो कीजिए. और दूसरी बात ये है कि अपने आप को पीछे होल्ड बैक मत करके रखिए, ये बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट वो जो की है यू नो लाइक वो आपके पास है. सो होल्ड, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक. ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं. और अगर पार्टनर आपके अगर प्रॉब्लम वहाँ आ रही है, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि खुद की खुशी खुद में आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने आप को, लाइक सेल्फ लव. इट्स अबाउट दैट, कि अगर आप सामने वाला उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, देन यू हैव टू यू नो कि अपना जो हार्ट है वो अनलॉक कीजिए. ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है हमें एक्वेरियस के लिए फॉर योर लव लाइफ. अब हम करियर की बात करेंगे. ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड. कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है. अगेन, मैंने आपको बोला स्पेस बना के रखिए, कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है करियर में. मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ बिल्ड कर सकते हैं. लॉट ऑफ यू नो लाइक हैप्पी टाइम्स, मुझे लगता है कोई गुड न्यूज़, या इस ऑल्सो अबाउट पोजिशन, ग्रोथ, फाइनेंशियली कुछ अच्छा हो सकता है. हाँ, ज़रूर कुछ हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आप फेस करके आए हों या कुछ इंटरप्शंस हों, बट आई थिंक आप उनको पार कर लेंगे. तो एंजल्स कह रहे हैं, या मान लीजिए कि कुछ करियर में आपको कुछ किसी के बारे में पता चल रहा है, या हो सकता है कि कोई आपको यू नो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, या एनीथिंग. तो एंजल्स कह रहे हैं दे आर विद यू, वो आपके साथ हैं. कोई बात नहीं, अगर किसी का पता चल रहा है, यू शुड बी स्ट्रांग इनफ. आपको खुद स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है. ठीक है, आपको खुद खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए. आपका जो दिल कहता है आप वो कीजिए. और अपने से ये नहीं है कि जस्ट यू नो आप किसी के लिए आप अपने आप को बांध के रखें, नहीं, या किसी की वजह से आप स्टेप फॉरवर्ड ना करें. नहीं, आप ग्रो कीजिए, आप आगे बढ़िए. ठीक है ना, और ऐसा लगता है कि येस यू हैव दैट पोटेंशियल, और आपके पास आसपास सॉल्यूशन भी है, आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं. और लेकिन आपको अपने वो दायरे से बाहर निकलना होगा, या जो सेफ स्पेस है आपके अंदर, अगर कोई फियर है, अगर कोई डाउट है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. एंड ऑफ कोर्स कुछ मेजर चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुझे लग रहा है इंटरप्शंस भी आ रहे हैं. मान लीजिए कि आप अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, हैवी, मुझे ऐसा लगता है हैवी लाइक
चेंजेस ये कह सकते हैं, या ऐसा लगता है कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ पीपल और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप आगे स्पेस बना रहे हैं. सो ऑब्वियसली लोग आपसे जेलस भी करेंगे या कोशिश भी करेंगे कि आपको यू नो कैसे लाइक हर बार आपको नया चेहरा दिखेगा लोगों का. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, आई डोंट नो वाई, बट ये चीज़ दिखाई दे रही है. देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या गाइड करना चाहते हैं. Divine timing. Do not be disturbed. If something is meant for you, it will definitely come to you. To disturb मत होइए. या angels कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं disturb मत होइए. अब चाहे relationship हो या career हो, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ है आपके लिए तो वो आप ही की है, ठीक है ना. डेफिनेटली मतलब अगर कोई आपकी लाइफ में मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, ठीक है, आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, तो अगेन आपको बाबा कहना चाहते हैं कि आपको आप रिलैक्स्ड होके बैठ जाइए, ठीक है. अगर इफ़ इट इज़ मेंट टू बी तो वो हो जाएगा, वो आपकी लाइफ में आएंगे. सिमिलरली करियर वाइज भी, कि अगर आपने मेहनत की है, आपने हार्डवर्क किया तो अच्छा होगा, तो आपके हक में होगा, ठीक है. सो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी तरफ खुद आएगी, ठीक है. तो आपको ज़्यादा खुद को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की वजह से. सफरिंग्स ऑफ ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग. काफ़ी सफरिंग के बाद कभी कभी कुछ चीज़ें मिलती हैं, और जो ग्रेट सोल्स होती हैं, ठीक है, आई थिंक बाबा यहाँ कहना चाहते हैं उनको लाइक वो इवॉल्व ही तब होती हैं जब वो अपनी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स झेलती हैं, ठीक है ना. तो शायद यू आर अ वेरी गुड सोल, और हो सकता है आपकी लाइफ में भी यू नो देखिए सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू टेक इट, अगर कोई हेल्प कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ये बाबा कहना चाहते हैं. तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है. क्यों? क्योंकि इसमें भगवान आपके साथ है, आपका साथ दे रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हाँ आपने बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है, और आपको ये समझा भी रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए, ठीक है. जो चीज़ आपके लिए है वो आप तक खुद आएगी, ठीक है. तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप खुद कुछ क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ प्लान करेंगे, यू नेवर नो, लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. आपने कुछ सोच रखा है, भगवान ने कुछ सोच रखा है, ठीक है, यू नेवर नो. तो नेचुरली लेट इट फ्लो टूवर्ड्स यू. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.